फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सभी को मेरी ओर से कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स, पहले से काफ़ी बेटर हूँ। और काफ़ी दिनों बाद आज मेरा ब्लॉग जो है वो आप लोगों तक पहुँच रहा है। इसका क्या रीज़न है वो मैं आपको शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में, तो आप सभी लोग बने रहिएगा वीडियो में। एक बार फिर से यूट्यूब पर आई हूँ और आप सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, आशीर्वाद की ज़रूरत है, तो आप सभी लोग बना करके रखिएगा। और मैं कहाँ थी इतने दिनों, मेरी वीडियो क्यों नहीं आई, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ में डिटेल से शेयर करूँगी। कहते हैं ना कि किसी ना किसी की कुछ मजबूरी होती है, और मेरी भी वही रही। मैं काफ़ी बीमार रही, क्यों रही, क्या वजह है, क्या बीमारी है, वो भी बताऊँगी। तो आप सभी लोग बने रहिए वीडियो पर। और सच में मैंने आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया इतने दिनों में, क्या बताऊँ मैं फ्रेंड्स, लफ्ज़ों में मैं कुछ बयां नहीं कर सकती, आप लोगों तक पहुँचा नहीं सकती। आप समझदार है, आप समझ जाओगे। और प्लीज़, जैसे आप मुझे पहले से सपोर्ट करते आए हैं उसी तरह से सपोर्ट कीजिएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप सभी लोगों के सपोर्ट की, बल्कि और भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को मेरी को एंजॉय कीजिए। बताती हूँ आपको भी क्या हुआ है, इसी ब्लॉग में बताऊँगी। और आज फ्रेंड्स बुधवार है, तारीख है आज 15 फरवरी 2023। तो चलिए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। फ्रेंड्स, चूल्हे की जो हालत है वो देखने लायक नहीं है। ये देखिए पूरा काला हो गया है, और काला तो ये है ही, चौका इसमें डेली लगता है पर काला हो जाता है, पर ये टूट गया है। तो इसमें मुझे लगानी है ये मिट्टी, जो कि काम आती है हमारे स्पेशल चूल्हे के लिए, पाई के लिए। इसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगाऊंगी ना, तो ये फिर से सेट हो जाएगी जैसे कि तैसी, जैसे पहले थी वैसे ही। तो मिट्टी बना लेते हैं फटाफट से, और फिर इसको लगाएंगे। इसको अच्छी तरह से मैं कूट लूँगी। तो यहाँ पर ना मिट्टी को मैंने कर लिया तैयार, और अब इसमें लगाऊंगी जहाँ जहाँ पे ये टूटी हुई है। तो जहाँ जहाँ से ये टूटी थी ना, वहाँ से हमने इसको मिट्टी लगा दी है, और अब हमने इसको लिप देना है ताकि ना ये पहले जैसी दिखे। तो चूल्हे की लिपाई मेरी हो चुकी अच्छी तरह से, और आज चूल्हा और फर्श दोनों को एक साथ में लिपूंगी। साफ़ करना है इनको, बड़े दिन हो गए नहीं साफ़ किया है। वैसे ऊपर से डेली साफ़ करती थी, पर जो गहरी सफाई है ना वो नहीं की है, जिसकी वजह से ये टूटने लगा था। तो आज कर ही लेते हैं इसको साफ़। और फ्रेंड्स, मेरे जो बहुत नज़दीक से हैं, बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, वो मेरे फ्रेंड्स नहीं है, मेरी एक फैमिली है। तो उन सब के साथ ना मैंने अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर की है कि मुझे क्या हुआ था, क्योंकि ये सोशल मीडिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने दिल की बात अगर हम बताएंगे तो फिर होता है ना कि लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो उसका नाजायज फ़ायदा उठाते हैं और फिर गलत कमेंट करते हैं। तो मेरा ऐसा कुछ भी रीज़न नहीं है। अगर मुझे व्यूज़ चाहिए होते ना, तो मैं अपनी जो बीमारी है उसको बढ़ा चढ़ा करके बताती, आप लोगों से शेयर करती, पर व्यूज़ पाना मेरा कोई मकसद नहीं है फ्रेंड्स। आप लोग हैं तो व्यूज़ हैं, और अगर हम आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत पहले, कुछ दिन महीनों पहले ना, वो हमारे जो गुरु हैं उनकी वीडियो देखी थी, तो उन्हें भी इसी तरह के कमेंट आते कि आप अपना ना रोना धोना दे करते हो, और मुझे भी कुछ इसी तरह से कमेंट किया था कि आप उसकी तरह ही बोलते हो। फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ना अपनी मजबूरी अपना समझ के अगर आप लोगों से शेयर करता है, तो हमें उसका गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। गलत मकसद से कोई भी नहीं कहता है, और जो लोग ना बुरा बोलते हैं उनको बुरा बोलने से पहले सोच लेना चाहिए एक बार कि हम क्या बोल रहे हैं, बुराई किसकी कर रहे हैं, और ये बुराई कल को अगर हमारे साथ में हो जाती है तो हम क्या करेंगे, है ना। तो समझने वाले काफ़ी समझदार है, समझ गए होंगे। और अब मैं पहले से काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ, पर अभी पूरी तरह से मैं स्वस्थ नहीं हूँ, नहीं ठीक हूँ मैं पूरी तरह से। अभी कवर होने के लिए मुझे पता नहीं कितने और दिन लगेंगे,
मैं अपनी भी जो बीमारी है ना उसको बताना भी नहीं चाहती यार, किसी को नहीं बताना चाहती क्योंकि लोग मजाक बनाते हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई मजाक बनाए, क्योंकि पहले से मैंने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सहन किया है और मैं मुझ में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है कि मैं सहन करूं। मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है छोटी छोटी बातों से। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये गोबर और मिट्टी से मैंने इसको लीप दिया है, ये पहले की तरह ही साफ़ सुथरा हो गया तो और भी सुंदर हो गया। लिपने के बाद में हमारी जो रसोई है बस इसी तरह से, हमारी जो पहाड़ी रसोई होती है ना वो ऐसी होती है, और इसी तरह से हम इसको गोबर मिट्टी से लीपते हैं। तो इसके बाद में ना मुझे जाना है आगे पति देव जी के पास। बाद में मैं पहुंच गई हूँ अपने घासनी में जहाँ पे हमारी घास होता है, और आजकल ना बहुत सर्द हवाएं चल रही है, करीब करीब 4 दिन हो गए देख के चल रही हूँ, क्योंकि नीचे कांटे हैं, अगर चुभ गया ना तो फिर और तकलीफ़ होगी। और यहाँ पर आए हैं पतिदेव जी, तो इन्होंने छोड़ी है गाय और बकरियाँ, क्योंकि आजकल ना ये घर पे ही है, तो इन्होंने मुझे बोला कि तू पीछे से आना और मैं चलता हूँ। तो चलते हैं इनके पास और लकड़ी ले जाएंगे हम थोड़ी थोड़ी, क्योंकि यहाँ पे काटी हुई है तो कई दिनों से ऐसी रह गई है, कुछ हमने ढोई है और कुछ ढोने को पड़ी है। और बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हो गई है, बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, उन्हें छुट्टियाँ थी 1.5 महीने की, तो 1.5 महीने बाद अब वो स्कूल जाने लगे हैं। मैं जाती हूँ अपने आगे रास्ते से, और सबसे पहले ना यहाँ पहुँचने से पहले आगे पहुँचूँ सबसे पहले व्यू शेयर करते हैं। ये रहा फ्रेंड्स आसपास का जो खूबसूरत सा व्यू है वो, और ये देखिए हमारे पति जी वहाँ पर बैठे हैं पशुओं के पास और धूप का आनंद ले रहे। तो चलते हैं आज इनसे कुछ पूछते हैं ऑन कैमरा, देखते हैं रिप्लाई देते हैं कि नहीं देते। जा रही हूँ और कान मैंने ना बांध के रखे क्योंकि धूप है, पर धूप का कोई पता नहीं लग रहा है, बहुत तेज़ हवाएं हैं। और यहाँ पे ना हमने कंटीली झाड़ियाँ साफ़ की है, काटी है, तो उनको साफ़ करके ना अब एक जगह पे ढेर लगाना पड़ेगा, नहीं तो घास काटने के लायक फिर ये ज़मीन नहीं बचेगी। जो कंटीली झाड़ियाँ ना वो हमने काट के रखी हुई है, और यहीं से हमने लकड़ियाँ काटी है घर के लिए, चूँकि हम स्टोर करते हैं सर्दियों के लिए। और ये ना अब कांटे इकट्ठे करने पड़ेंगे, कांटे इकट्ठे करने ना बड़ी मुश्किल का काम है, और करने के बाद में ना ये काम फिर जलाने पड़ेंगे। इकट्ठी करी वहाँ पे जाकर के जहाँ मैं जा रही थी, और अपने लिए एक बोझा बनाया, और मैं चल पड़ी घर को, क्योंकि 4:30 हो गए ना तो पशु बाहर बांधे हुए। अच्छा, तो पता क्या होता है आजकल ना दिन बड़े बड़े हो गए हैं, और अब 3 की जगह ना 4:30-5 बजे के आसपास ना पशुओं को अंदर करना पड़ता है, इनके अंदर बांधना पड़ता है। तो वंशु के पापा चले गए आगे, उन्होंने भी लकड़ियाँ उठाई हुई है, और पशु हमारे पीछे ही। अभी वंशु स्कूल से आया और आते ही देखिए मेरे साथ में पहुंच गया। मुझे तब से बोल रहा था कि मम्मा ऐसे बोलो कि वंशु भी है साथ में, ये देखिए बड़ा खुश होता है। मेरे को बोल रहा था कि मम्मा मैं आपके लिए ना गाड़ी लेकर के आया हूँ, आप इसमें बैठ के चलो, पर ये ना बहुत जिद्दी हो गया वंशु हमारा। अच्छा और 4:30 हो गए, देखिए कितने बड़े बड़े दिन हो गए हैं अब ना। तो यहाँ पे ना 2:30 बजे से धूप चली जाती थी, तो अभी तक धूप है। लकड़ियाँ ला करके मैंने रख दी है यहाँ पर, और ये देखिए वंशु ना इसकी शरारतें ख़त्म नहीं होती। जितना भी बोल दो ना इसको, इसकी शरारतें ख़त्म नहीं होती वंशु। और मुझसे ना मेरे एक भाई है, वीडियो देखते हैं, उन्होंने पूछा था कि आपको ना बैल नहीं दिखता आजकल, तो ये देखिए भैया बैल यहाँ पर है, और बच्चे भी यहीं पर है जो जिन गायों की डिलीवरी हुई है उनके भी, शायद ढंग से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ना। ये देखिए और ये गाय इनके पास आ चुकी है, अब छाँव इनकी धूप जा चुकी है, तो मुझे ना इनको बांधना है और फिर जाना है, मुझे हरी घास लानी है इनके लिए, यानी कि जो ब्यूड़ होता है वो।
ये सुनने दे कुछ तब ना। फ्रेंड्स यहाँ से ना ऐसे लग रहा है कि मैं उड़ रही हूँ। मेरी कालो तो खड़ी है ना यहाँ पे चुपचाप, पर पीछे से ना लोगों की गाय वो जोर जोर से रंभा रही है, तो इग्नोर कीजिएगा। और आज का ब्लॉग भी फ्रेंड्स यहीं तक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को मेरी ओर से जय माता दी।